नमस्कार, मैं अभिनव, स्वागत है आपका दी पीपल वॉइस में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस अखबार, मच्छर और फल के द्वारा फैल सकता है। आइए देखते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। WHO के अनुसार ये वायरस कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके पास मौजूदा लोगों के शरीर में से कीटाणु पहुंच जाते हैं। इसके अलावा लार के जरिए भी ये वायरस फैलता है। WHO के अनुसार ये कोरोना वायरस मच्छर के द्वारा नहीं फैलता। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक अफवाह ये उड़ी, अखबार को छूने से कोरोना वायरस फैलता है, लेकिन ये सच नहीं है। WHO ने स्पष्ट किया कि बस एक अफवाह है। WHO का कहना है कि अखबार पर कोरोना का टिक पाना आसान नहीं है, ऐसे में आपका अखबार पूरी तरह सुरक्षित है। WHO ने कहा कि ई पेपर को रिसीव करना सेफ है, अखबारों के कारण कोरोना नहीं फैलता, अखबार से संक्रमित होने की संभावना बिल्कुल कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अलग अलग तापमान और प्रक्रिया से गुजरता है, इसलिए इसका फैलना या रुकने की संभावना बिल्कुल कम है। क्या फल सब्जियों से फैलता है कोरोना? फल सब्जियों से कोरोना वायरस फैल सकता है, क्योंकि दुकान में रखी सब्जियों को कई लोगों के छोड़ने से वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि रिसर्च में कहा गया कि फल सब्जियों को छोड़ने के बाद इसका खतरा नहीं रहता। आज के लिए बस इतना ही, आगे जुड़े रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए दी पीपल वॉइस के साथ।